पवित्र गंगा माता माता है, आप लोग लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की पिच तमाम दलों के तरफ से तैयार की जा रही है। और बात अगर बिहार की राजनीति की करें तो बिहार की राजनीति में अभी से ही उथल पुथल का माहौल है, जहां तमाम दलों के तरफ से अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी पीछे कैसे रह सकते हैं? उन्होंने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त से कर ली है, जहां मंगलवार को वो समस्तीपुर जिले पहुंचे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लोगों को इस बात की अपील कर रहे हैं कि निषाद समाज कितना मजबूत है और ये समाज अगर एकजुट हो जाए तो आने वाली पीढ़ी का कितना विकास होगा। समस्तीपुर जिले पहुंचे तो मुकेश सहनी का जबरदस्त स्वागत हुआ, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और उन्होंने लोगों को हाथों में गंगा जल रखवा कर संकल्प भी दिलवाया कि निषाद समाज को एकजुट होना होगा, आगे आना होगा, ताकि समाज का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। मुकेश सहनी क्या कुछ कर रहे हैं समस्तीपुर जिले पहुंचकर, उन्होंने किस तरीके से पूरा माहौल बना दिया और संकल्प यात्रा के दौरान लोगों से क्या कुछ कहा, छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ। साथियों, आज हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। साथियों, आज जरूरी क्यों पड़ा कि संकल्प यात्रा पे निकलना है? इसलिए जरूरी पड़ा है क्योंकि ये आजाद भारत, इस देश की आजादी दिलाने के लिए लाखों निषाद शहीद हुए। सिर्फ शहीद इसलिए हुए कि देश आजाद हो और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन इस आजाद भारत में हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। साथियों, जहां पे हमें एक अपनी पहचान की आवश्यकता है, आज कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता तो आज तमाम ओबीसी समाज के जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आज वो आप कहाँ पे होते? कल्पना कीजिए कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपको आरक्षण अगर नहीं देते अति पिछड़ा का, तो आपका हालत कहाँ होता, आप किस जगह पे होते? कल्पना कीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में गरीब पिछड़ा दलित के लिए अगर आरक्षण का व्यवस्था नहीं दी किए होते, आज हम कहां होते? इसलिए साथियों, आज जरूरी है निषाद समाज को आरक्षण का, इस देश में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन कुछ राज्य में नहीं है। जबकि मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, उस समय में मंडल जी का भी सिफारिश था कि मछुआरा समाज को देश में आरक्षण मिलना चाहिए। जब 40 एजेंडा जो था उसमें 37 नंबर का एजेंडा था, उसमें सिर्फ यही था कि देश में मछुआरा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला। आज हमारे समाज, हम लोग भी, हमारे पूर्वज जो संघर्ष करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और नहीं करने का कारण है यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य मिला लीजिए, तकरीबन 137 जिला है, और 137 जिला में एक कलेक्टर निषाद का बेटा नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है साथियों। ये 137 जिला में ऐसी कोई जाति नहीं होगा धरती पर जिसकी अपने कलेक्टर नहीं होगा, एकमात्र निषाद ही है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारा एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हम आरक्षण लेने में कामयाब होते तो एक कलेक्टर नहीं दर्जनों कलेक्टर निषाद का बेटा होता। तो जरूरी पड़ा है साथियों हम सभी को संघर्ष करने का, और संघर्ष संकल्प लेकर कि हम जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा।
अगर आज अगर आप संकल्प नहीं लेंगे, आपके आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कठिन होगा साथियों। आज जिस तरीके से हमारे पूर्वज कठिनाई का सामना किया, उससे कई गुना ज्यादा आपके आने वाले पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आज अगर खून पसीना बहाकर संघर्ष करके अगर अपने काम में कामयाब अगर हो जाते हैं, तो आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो इस आजाद भारत में सर उठा के जिएगा साथियों। अगर आज अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप आज असफल नहीं होते हैं, तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है इस आजाद भारत में गुलाम बन के रह जाएगा साथियों। किसी काल कोटली में, किसी काल खंड में निषाद का वोट खरीदा है, और ये बात सही भी है कि निषाद का वोट पहले बिका है, चाहे वो चेहरा देख के हो या कुछ खा पी के हो, निषाद का वोट बिका है। और उनको भरम है कि अभी भी हमारे पास पैसा है, और अभी भी आने वाला समय में इस समाज को आरक्षण क्यों दे, जब इस समाज का लोगों का 1500 में 5000 में वोट बिक सकता है, तो हमारे पास पैसा है और पैसे से वो वोट आपको खरीदने के लिए आएंगे। और ये बात को साबित करना पड़ेगा कि निषाद का बेटा का वोट अब बिकने वाला नहीं है। और जिस रोज ये साबित करने पे लग जाइएगा, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार ये बात को मानेगी और आपको आरक्षण लागू करेगा साथियों। तो इसलिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमें भी आप सब बताइए, क्योंकि मैं तो सर पे कफन बांधकर आपके बीच में निकल आया हूं। अभी जरूरी है कि आप संकल्प लेके हमें बताइए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाने का काम कीजिए कि मोदी जी, बिहार प्रदेश में निषाद का बेटा का वोट बिकने वाला नहीं है। आप हमारी सुनेंगे तब हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प आपको लेना है। तो साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। आपके हाथ में गंगा जल का बोतल आया होगा, बोतल निकालिए और हाथ में चूरू में लीजिए और हाथ को आगे कीजिए। हर एक नेता, जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता है, इस सभागार में उपस्थित हमारे युवा नेता, सभी लोग खड़ा हो जाइए और खड़ा होके और मंच पे भी नेता लोगों को दीजिए गंगा जल और संकल्प लीजिए। और जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए, ताकि मोदी जी तक ये आवाज को पहुंचे और आने वाला समय में उनका भरम टूट जाए। इसलिए आप लोग सब तैयार हैं? चलिए, संकल्प मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए, और जिनको नहीं लेना है वो उस बालकनी में खड़ा हो जाइए, ताकि हमको भी लगे कि हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं है। अगर है तो इस यहाँ पे हर एक माता बहन सभी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेने का काम कीजिए। चलिए, बोतल में मत रखिए, हाथ में लीजिए। पवित्र गंगा माता है, आप लोग लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाकर अपने निषाद को, एक एक निषाद को संकल्प करवाएंगे। जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छिट लीजिए और शुद्ध हो जाइए।